पवित्र धरती डेरा बाबा नानक गुरदासपुर तो 100 गड्डियां दा काफला दिल्ली सिंघू बॉर्डर नु रवाना होया, जिसकी अगुवाई किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ुनी, भाई हरदीप सिंह अते गोल्डी माने वालिया ने की। एक काफला जान समय फगवाड़ा भारतीय किसान यूनियन दुआबा के बैनर हेठ गुरु के लंगरां ते रुक के गया। इस संबंधी गलबात करदियां किसान पाला मौली ने कहा कि इस जत्थे दा फगवाड़ा पहुंचण ते इंद्रजीत सिंह खलियाण, जसवीर सिंह पुलाराई, गुरशरण सिंह पंडोरी अते उन्हां दी समुची टीम वल्लों निघा स्वागत किया गया। इस दे नाल ही पाला मौली ने कहा कि इस अंदोलन नूं चढ़दी कला दे विच रखण वास्ते उन्हां दे किसान आगुआं दे नाल चलण दा फैसला लिया है। जो भी हुक्म उन्हां नूं किसान आगू लाउण गिस दे तहत इलाके दी संगत उत्थे पहरा देवेगी। अज दा जिहड़ा जथा उह डेरा बाबा नानक गुरदासपुर दी पवित्र धरती तों चल के 100 गड्डियां दा काफला उह दिल्ली बार्डर वल गया, जिन्हां दी अगवाई सच्ची सुच्ची अगवाई जिहड़ी सरदार गुरनाम सिंह जी चढ़ुनी जिहड़े हरियाणे दे किसान नेता ने, और उहनां दे नाल भाई हरदीप सिंह जी डिबडुबा और गोल्डी मेरा वीर माने वालिया, इह तिन्नां मेन आगूआं दी अगवाई दे विच अज 100 दी गिणती दे विच गड्डियां दा काफला जिहड़ा वो फगवाड़े गुरु के लंगरां तो जिहड़ी गुरु की संगत ने सांझे तौर पर भारतीय किसान यूनियन दुआबा के बैनर हेठ लगाए ने उत्थे रोक के गए ने। उन्होंने स्वागत वास्ते साडी समुची टीम ने उन्हों का बड़ा जी आया क्या, और सारी संगत ने लंगर छक छका के इतों रवानगी पाई है, और सरदार इंद्रजीत सिंह जी खलियाण, साडे वड्डे वीर जसवीर सिंह जी पुलाराई, गुरशरण सिंह जी पंडोरी और साथियों समेत सारिया ने उन्होंने निघी जीओ आखी है, और इस अंदोलन में चढ़ती कला में रखने वास्ते किसान आगुआ हर मदद हर हिले पिछे उन्होंने चलण का असी जिहड़ा अहद लिया, और जो भी हुक्म किसान आगू सानू लाउणगे और इलाके की संगत जिहड़ी उत्थे पहरा देवेगी। हाँ जी, खिडारियों वास्ते ना ग्राउंडां की कमी नहीं हुंदी। अनिल जोशी जी का असी धन्नवाद करते हैं जिन्होंने पार्टी के बिच रह के उन्हां दी नीतियां का विरोध किया। पार्टी 6 की जगह भावें 12 साल लई कढ दिंदी, पर जिहड़े अनिल जोशी जी ने कदम चके है वह इस अंदोलन के जदों अखर लिख होणगे सुनहरी, और उन्होंने विच अनिल जोशी जी का भी नाँ आएगा, क्योंकि सब तो पहला जे कोई ने आवाज़ चकी है एडे दृढ़ इरादे दे नाल बीजेपी के बिच रह के तो सिर्फ तो सिर्फ अनिल जोशी सी, और मैं होर भी बीजेपी के जिहड़े भरा साडे हजे भी बिच बैठे हुए ने उन्होंने मैं बेनती करा इस माड़ी नीति वाली पार्टी नूं तुसीं छड्डो। मैं पहला भी जिक्र किया भी खिडारी जिहड़ा खेडना जाणदा उहदे वास्ते ग्राउंडां का घाटा नहीं हुंदा, ग्राउंडां बहुत ने, पर इन्हां दी ग्राउंड तुसीं छड्डो। इन्हां ने सूबा खाधा, इन्हां ने देश भी खा जाना है, इन्हां ने सानू भखारी बना देना है। इस तो पहला कि यहोजी नौबत आवे बंदा बंदे का बैरी बन के वह बंदा बंदे नू नोच के खावे, तुसीं इस पार्टी का साथ छड़ के इस देश दे सुनहरी भविख वास्ते काम करो। तुसीं इस देश दे मोढ़ी हो, तुहानूं लोकां ने वोटां नाल चुनिया है, बीजेपी का साथ छड़ के जिवें अनिल जोशी ने साथ छड़िया, तुसीं भी एक बार मैदान च आ के किसानां दा साथ दिओ। यह जिहड़ी 3 बिलां दी जित है इनू यकीनी बना के अपने किसान भरावां नूं घरां दे विच बिठा सकीए। उत्थे गलबात करदे हुए गुरनाम सिंह चढ़ुनी ने कहा कि जे देश किसानी अते आर्थिक व्यवस्था नूं बचाउणा है तां कारपोरेट दीआं पार्टियां तों किनारा करना चाहीदा है। जे हल कोई पक्का कढ़णा आपां ने, जे जड़ती वार करना है उह इह है, फिर जिहड़ी इह पार्टियां ने इह कारपोरेट दे गुलाम ने सारी सारी जिन्हां ने कारपोरेट नूं बेच रहे ने देश नूं। जे देश नूं बचाना है, जे किसानी नूं बचाना है, जे मजदूरी नूं बचाना है, जे इतों की अर्थव्यवस्था बचानी है, तो फिर उन्हां ते वार करना पएगा। जिहड़े राजनीतिक गुलाम पार्टियां ने, कारपोरेट की गुलाम पार्टियां ने, इन्हां तों किनारा करके जिहड़े संघर्षी लोग ने, पंचायती लोग ने, उन्हां तों विचों आम लोगों के सरकार बने, लोगों की सरकार लोगों वास्ते बने, ना कि कारपोरेट की सरकार कारपोरेट वास्ते बने। चढ़ुनी साहब एक बीजेपी का नेता से अनिल जोशी जो कैबिनेट मंत्री भी रहे, उन्होंने किसानों की आवाज़ चकी, बीजेपी ने उन्होंने 6 साल ही बाहर करता, कहता मैं किसानों की आवाज़ चकन मैं हरजाना मिले। वह धन्यवाद है, किसी एक बंद की आत्मा जागी, वैसे तो बीजेपी दे आलां दी आत्मा मरी हुई है, पर एक की जागी हुई सही कि शुरुआत तो हुई बीजेपी की नीति है। जो पत्रकार कोई बोलता पत्रकार से केस, जो कोई गाने वाला बोलता है गाने वाले केस, जो कोई कर्मचारी बोलता है कर्मचारी से केस, जो कोई व्यापारी बोलता है वह तो रेड, ये उन्होंने नीति है। पर यह नीति उन्होंने हम कामयाब नहीं हो रही, हम लोगों ने बोलना शुरू करते वो पार्टी के। मैं लोगों को कहूँगा कि तुम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, तो इस देश को बचाने वास्ते बोलो। फगवाड़ा तो जश शर्मा की रिपोर्ट। फगवाड़ा दे विच आशू दी हट्टी दा खुला चैलेंज, जित्थों तुहानूं मिलणगे शहर विच सब तो सस्ते रेट ते सूट लहंगे साड़ियां ते प्लाजो। आशू दी हट्टी दा एक ही वादा, तुहानूं मिलणगे वधिया क्वालिटी दे कपड़े, पर रेट नहीं होवेगा ज्यादा। एक बार विजिट जरूर करो आशू दी हट्टी, ऑपोजिट बस स्टैंड फगवाड़ा।